उधर झारखंड के रांची की रहने वाली भावना नंदा ने बिहार न्यायिक परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। पहली रैंक हासिल करने के बाद भावना नंदा के परिवार में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि भावना नंदा ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची से LLB की और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLM की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली स्थित एक निजी IAS कोचिंग संस्थान में एडमिशन ली। उसके बाद कामयाबी पर परिवार ने खुशी जताई। सर, जब मैं 10वीं में थी तब से ही था कि जुडिशियल सिस्टम ज्वाइन करना है। जो जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा रही हैं झारखंड हाई कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस रही हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, तो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली कि मैं न्यायिक सेवा ज्वाइन करूं। और उनसे उनके अलावा मेरे जो फादर हैं, मेरे पापा, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं। उन्होंने मुझे हमेशा इनक्रेज किया कि मैं लॉ एज़ अ करियर चूज़ करूँ। और जब मैं कॉलेज आई उसके बाद से ही ये डिटर्मिनेशन था, एक सपना था कि मैं न्यायिक सेवा ज्वाइन करूँ। ये बहुत बहुत खुशी हो रही है इसमें। सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे पेरेंट्स को हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं राहुल सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँची, तो इनका सबका योगदान है, सबका कंट्रीब्यूशन है, इसी वजह से ये हो पाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और एक अलग किस्म की आत्मसंतुष्टि मिल रही है। अभी तक हमारी जानकारी में हमारे यहाँ से 87 बच्चे हैं, 87, और उसमें से कई हैं जो कि सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आए थे, और कई हैं जिन्होंने पूरा फाउंडेशन कोर्स 1.5-2 साल वाला वो किया था। काउंटिंग एग्जैक्ट तो बता पाना थोड़ा कठिन है मेरे लिए, क्योंकि सभी छात्र जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, तो सबकी जानकारी हमको नहीं मिल पाती, लेकिन जितनी जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 3,000 बच्चे होंगे जो जुडिशरी में सिलेक्ट हुए होंगे राहुल सही से अभी तक टोटल, और थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, और उसके अलावा और भी हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह, तो सब मिला जुला के 5-6 हज़ार तो होंगे।